सांडा के इलाके में घर से 41 साल शख्स की लाश बरामद हुई है। कत्ल, खुदकुशी या कोई और केस है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताएं, सांडा का इलाका है जिसमें घर से 41 साल शख्स की लाश बरामद हुई है। ये नहीं बताया जा सका किस तरह से उसकी हलाकत हुई, खुदकुशी थी या कोई और हादसा था। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा, पुलिस की जानिब से कोई मौकिफ सामने आया? तो ये इसके ऊपर तहकीकात की जा रही है कि सांडा के इलाका में कमरे से जो है वो 41 साल शख्स की लाश बरामद हुई है। तो पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाला जो शख्स है, इसकी शनाख्त जो है वो इशफाक के नाम से हुई है और ये अकेला यहाँ पर रहता था सांडा के इलाका में। तो पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ भी अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि मामला की तहकीकात की जा रही है। अब ये वाकया कत्ल का था या कुछ और खुदकुशी का, तो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत सामने आएंगे। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर आपका।